हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लूडो का डाइस को हम कैसे बना सकते हैं एक्सेल के थ्रू। तो बेसिकली ये मतलब गेम में आपने देखा होगा कि जो लूडो का डाइस होता है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हम अब तो वैसे नॉर्मली हमारे जो गेम्स मोबाइल में भी होते हैं तो उसमें देखा होगा कि कभी आप जब उसको प्रेस करते हैं बटन को तो कभी रैंडमली वहाँ पे 1 आ जाता है, कभी 2, 3, 4, 5, 6 6 के बाद की वैल्यूज़ नहीं आती और एक सिंबल में हमें रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। तो बेसिकली लूडो का डाइस बनाने का कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, कहीं पे आपको ये बनाने के लिए नहीं मिलेगा। माइट भी हो सकता है कहीं इंटरव्यू में आपको मतलब आपके जो भी मैनिपुलेशंस का टेस्ट लेने के लिए बनवा सकते हैं, मतलब जैसे कहीं पे ट्राइंगल भी बनाते हैं VBA के थ्रू, तो इस तरह के मतलब लॉजिक दे देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मतलब मेन पर्पस ये है कि आप किस तरीके से अपना एक लॉजिक बनाते हो, कैसे अपना एक आइडिया को बिल्डअप करते हो, कैसे मल्टीपल सिनेरियोस में मतलब काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है उसमें पर्टिकुलर एक रो को लेना है, एक पर्टिकुलर फार्मूला चेक करना है, चाहे इलॉजिकल हो चाहे लॉजिकल हो, लेकिन उसको मतलब अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। तो इसी उसके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, जैसे कि आपको लूडो का डाइस का मतलब कि कैसे रैंडमली उसमें वैल्यूज आ पाएँ और कैसे उसे हम बना सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। इसमें हमें VBA का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, VBA का यूज़ ही नहीं करना है बेसिकली। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना रखा है ऑलरेडी, जो काफ़ी एक लेंदी सा फार्मूला हो गया था, तो लेकिन मैंने इसको एक शॉर्ट में अलग तरीके से मैनिपुलेट करके अलग बनाया है। तो उससे मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ और इसमें पहले अपने जो सेल्स होते हैं इनको मैं अपने अकॉर्डिंगली इनका मतलब विड्थ और हाइट इनकी डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं डाइस बनाऊँगा इस वाली पूरी रेंज में। तो इसको मैं पहले यहाँ से इसका बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं पहले हम यहाँ पे जाके। माइट भी ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिक्स हैं जो मेरे को मतलब आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल तो नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा मतलब आपको मतलब दिमाग जरूर लगेगा इसमें। तो इसके लिए मैं पहले बॉर्डर बना देता हूँ, इसमें ये मेरे बॉर्डर्स बन गए हैं ऑल बॉर्डर्स। तो बेसिकली आपने लूडो को देखा होगा कि ये मेरा सपोज लूडो है, लूडो का डाइस है, तो मेरे वैल्यूज़ कैसे कैसे आती है इसमें, राइट। इसका भी मैं बॉर्डर्स बना देता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए बताया आपको। जैसे मैंने सपोज़ मेरे पास 2 आए तो मेरा 2 कैसे आएगा, एक मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आएगी। जैसे मैंने 2 किया तो राइट, और 3 आया तो मेरा इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास 1, 2, 3, और 6 हुआ तो मेरा 1, 2 इस तरीके से आएगा 1, 1, 1 और 1, 1, 1। इसको सेंटर में कर, ये वाला 1 नहीं होगा जो अगर हमारा रैंडमली 6 आया तो, राइट। और 5 आया तो हमारा क्या होगा, ये हमारी दोनों वैल्यूज़ नहीं होंगी और यहाँ पे इस तरीके से 5 आएगा, इस तरीके से हमारे पास 5 आएगा। और 2 की वैल्यू होगी तो 2 की वैल्यू सपोज़ 3 की वैल्यू होगी तो ये तो हमारा इस तरीके से आ सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ से ये 3 हो गया, या तो हम 3 ले सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं 3 हम, राइट। और 2 होगी अगर हमारे पास वैल्यू तो 2 हमारी होगी इस तरीके से। तो यही हमें लॉजिक यहाँ पे प्रिपेयर करना है कि कैसे हम जैसे ही हम अपनी शीट को कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली मेरे रैंडमली कभी यहाँ पे 6 आए, कभी 4 आए, कभी 3 आए, कभी 2 आए। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे बिल्ड कराना है 1, 2, 3, ये बेसिकली मेरे फील्ड्स हैं जहाँ पे मुझे जैसे 5 आया तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 2 आया तो 1, 2, 3 आया तो 1, 2, 3, इस तरीके से यहाँ पर कुछ सिम्बल आ जाए या तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रैंड बिटवीन का फंक्शन लगाएंगे, रैंड बिटवीन 1, 2, 6।
क्योंकि हमारे जो डाइस में मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो हमारी 6 तक ही होती है, राइट। तो जैसे 1 आया, अगर मैं अपनी शीट को F9 करता हूँ तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली 1 से 6 के बीच की रैंडमली वैल्यूज आती रहेगी। तो इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, उनको मेरे को यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्हें रिप्रेजेंट कराना है। F9 बेसिकली हमारी शीट को कैलकुलेट करता है, और इसको आप फॉर्मूले में देखना चाहते हो तो फॉर्मूले में क्लिक करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में अगर क्लिक करोगे तो देखेंगे यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर आप यही काम अपने शीट में जाके और F9 प्रेस कर दें तो आपकी मतलब ये आपका F9 मतलब शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है तो आप देखें कितनी जल्दी जल्दी वैल्यूज़ मेरी चेंज हो रही है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम है 6, मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और 6 से बाहर नहीं जाएगी, राइट। तो पहले मैं आप एक फंक्शन लगाता हूँ, और एक दूसरा फंक्शन आपको इससे पहले बताना पड़ेगा सिंबल्स के लिए बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको करेक्टर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे हमारे करेक्टर कितने होते हैं, 1 से लेके 255 तक होते हैं, तो 1, 2। तो हमें सिंबल जो रखना होगा, अगर मैंने यहाँ पे से इतना ड्रैग कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने इसका, ये हमारे नंबर है और इनका मुझे कैरेक्टर देखना है, कैरेक्टर कोड, तो कैरेक्टर मैं इस पर क्लिक करके इसे क्लोज करूँगा और यहाँ से इसे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमें कौन सा सिंबल लेना है, राइट। तो हमें सिंबल लेना है, ये वाला सिंबल 149 वाला सिंबल। तो 140 वाले 9 सिंबल को हम कैसे ले सकते हैं, 149 वाले सिंबल को अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर 149 लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये सिंबल आ जाता है और इसको ही मैं अपने जो लॉजिक हम बनाएंगे उसमें इसे यूज करेंगे, राइट। तो मेरे को कैरेक्टर 141 वाला, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ये वाला हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम बेसिकली, हम जब मैं आपको ये बताऊंगा कि डाइस किस तरीके से बनता है तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली कि क्या इसका लॉजिक है। CHAR 149। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसको हमें कनेक्ट करना है इस वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि ये हमारी रैंडमली चेंज हो रही है और इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सिंबल डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ दिस वैल्यू, इसमें हमें इफ के साथ डायरेक्ट दिस वैल्यू नहीं, इफ के साथ हमें एंड लगाना पड़ेगा क्योंकि एंड में हमारी वैल्यूज हमेशा ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो हमारा सबसे पहला लॉजिक लगाता हूँ मैं 6 के लिए, 6 क्योंकि हमारा 4 होगा तो 4 हमारा 1, 2, 3, 4 पे लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हम 6 एंड 4, हमारा मतलब अगर सपोज मेरे पास 6 की वैल्यू आई तो मेरे पास इस तरीके से वैल्यू सिलेक्ट होंगी, और मेरे पास 4 आया तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू सिलेक्ट होगी, और राइट। और 5 आया तो हमारी इस तरीके से वैल्यू सिलेक्ट होगी, तो मतलब 5 में भी हमारा ये काम करेगा, इस तरीके से हमारी वैल्यू सिलेक्ट होगी 5 में। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाना है, एक एक में सेल में लगाना है हमें वैल्यू फॉर्मूला बेसिकली। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ, और फिर हम एंड का फंक्शन लगाएंगे इफ के साथ, इसका सेंटर में कर देते हैं इसे यहाँ पे इफ, एंड देन फिर लगाएंगे हम एंड, एंड के साथ लगाएंगे हम दिस वैल्यू, अगर ये वाली हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है बेसिकली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा 2 में भी क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, 2 में हमारा यहाँ पे और इस तरीके से वैल्यू हमारी आएगी इफ, इफ के बाद लगाएंगे एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 2, देन नॉट देन, इसमें एंड की एक लॉजिक लगाया, अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम दिस वैल्यू लेस देन 6 और इक्वल टू 6। अगर हमारा ये वाला क्राइटेरिया हमारा सक्सेसफुल होता है बेसिकली, अगर ये नंबर हमारे पास आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे हम करेंगे इफ वैल्यू टू, तो कैरेक्टर 149 को हम यहाँ पे डाल देंगे 149। अगर नहीं आता है तो हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे राइट, और ओके कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 1 आया है, और मैं इसे F9 से फिर से प्रेस करता हूँ, तो अभी आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आया नहीं है। यहाँ पे 4 पे यहाँ पे सिंबल आना चाहिए था, यहाँ पे 149। एक बार यहाँ पे यहाँ पे हम सपोज हम 4 लिख देते हैं, मैन्युअली 4 लिख देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे लिखते हैं इफ दिस वैल्यू, इफ एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड दिस वैल्यू लेस देन 6 देन कॉमा कैरेक्टर 149 else nothing। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई है। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो मेरी वैल्यू आ गई है, लेकिन मैं अगर 1 लिखता हूँ तो मेरी वैल्यू नहीं आएगी। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया है कि इफ़, क्योंकि हम जब 2 लिखेंगे, जब यहाँ पे 2 की वैल्यू आएगी तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे सिंबल आना चाहिए राइट। तो हमने क्या किया है बेसिकली कि जब 2 की वैल्यू आई है तो यहाँ पर यहाँ पे आएगा सिंबल। अभी तो हमने एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया, तो हमें मल्टीपल सेल्स में फॉर्मूला लगाना है राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाली एक्सेल फाइल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप खुद इसे एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि इसे लगाते हुए काफ़ी मतलब लॉजिक लगाने पड़ते हैं कि इस सेल में क्या होगा, दूसरी सेल में क्या होगा। वैसे मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप चाहते हो इस सेल को, तो इस वाले इस एक्सेल को कि मैं आपके पास भेजूँ, तो आप अपनी मेल आईडी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये फॉरवर्ड भी कर दूंगा राइट। फिर हमारा ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फिर यहाँ पे जब हमारा 6 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू मतलब हमारे पास ये सिंबल आना चाहिए इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन 6 में। तो यहाँ पे मैं 5 में यहाँ पे नहीं आएगा, 5 में तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 इस वाले और इस वाली सेल में हमारे पास 6 पे ही ये सिंबल आएगा राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 6 देन कैरेक्टर 149 एल्स नथिंग। ओके, तो देखिए 2 पे नहीं आया, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ तो 6 पे मेरी वैल्यू आ गई है। सेम मैं इस वाली सेल पे भी लगाऊंगा यही वाला फॉर्मूला, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 6 देन कैरेक्टर 149 एल्स नथिंग। इसके लिए आपको इफ का फंक्शन आना चाहिए। अगर इफ का फंक्शन नहीं आता है आपको, तो आपके लिए मुश्किल होगी, तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में जाके इफ का फंक्शन देख सकते हैं, क्योंकि इफ जो फंक्शन होता है हमारा ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। एंड फंक्शन में हमारी सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, और में हमारा ऑप्शनल होता है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस वैल्यू को ट्रू कर देता है राइट। तो हमने 3 फंक्शन इस पे लगा दिया। अब हमारा लगाना है हमें जो फंक्शन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगाना है राइट। तो हम सेम फंक्शन हम यहाँ पे भी लगाएंगे राइट, ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे भी लगा देंगे, क्योंकि जब 2 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे इन दोनों सेल में हमारे पास वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ फिलहाल, और 2 के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे मैन्युअली बेसिकली 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, और एंड में आप एंड बिटवीन का फंक्शन लगा देंगे, तो आपकी वैल्यूज आती रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम इफ देन एंड का फंक्शन दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर 2 आती है राइट। और यहाँ पे लिखेंगे दिस वैल्यू, क्योंकि 6 में भी हमारे पास यहाँ पे कुछ आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 देन हमारे पास, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एंड का पैरामीटर क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लोज लगा, यहाँ पे कॉमा लगा के, तो ये वैल्यू इफ ट्रू
ट्रू होती है तो हम कैरेक्टर 149 दे देंगे और एल्स हम दे देंगे नथिंग। तो देखेंगे टू पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अगर मैं यहाँ पे फोर करता हूँ तो फोर पे भी आ गई। यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे इफ, और यहाँ पे भी इफ एंड लगाएंगे, एंड दिस वैल्यू यहाँ पे फोर पे आना चाहिए तो यहाँ पे लगाएंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, और दूसरी कंडीशन होगी हमारी दिस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सिक्स। अगर ये मेरा पैरामीटर कंप्लीट होता है तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कैरेक्टर 149, एल्स आएगा मेरा नथिंग। तो देखिए फोर पे भी मेरी वैल्यू आ गई है, तो ये वाला फंक्शन मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी पे लगा दिया, सिर्फ एक ही सेल बची हुई है मेरे पास। तो ये इफ एंड यहाँ पे लिखेंगे हम दिस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर एंड दिस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सिक्स, देन कैरेक्टर 149 एल्स नथिंग। ओके देखो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे हम टू लिखते हैं तो टू में देखेंगे यहाँ पे दो वैल्यू आ गई है, यहाँ पे थ्री लिखते हैं तो बेसिकली हमारा 1 2 3 होना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो बेसिकली इस वाली सेल में मेरे पास तभी वैल्यू आएगी, या तो मेरे पास एक होगा तो एक पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और एक और तीन भी होगी बेसिकली, राइट, एक तीन और पाँच पे, क्योंकि जब पाँच होगा मेरा तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट होगी, राइट, 1 2 3 4 5। जब एक आएगा मेरे पास सिंगल वन आएगा तो यहाँ पे मेरे पास सिंबल आएगा, और थ्री पे भी यहाँ पे सिंबल आएगा। तो यहाँ पे मैं और का फंक्शन लगाऊंगा इफ, यहाँ पे और में मतलब मेरी एक वैल्यू कोई सी भी ट्रू होगी, दिस इक्वल टू वन अगर ये वन होती है, और दिस इक्वल टू थ्री, यस थ्री, दिस इक्वल टू थ्री एंड दिस इक्वल टू फाइव। अगर यहाँ की वैल्यू इनमें से कोई सी भी आती है तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर 149 आ जाएगा, एल्स यहाँ पे आएगा नथिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे थ्री आया, मैंने यहाँ पे वन लिखा तो यहाँ पे सिंपल वन आ गया, राइट। और तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ, फोर लिखेंगे तो चारों पे आ गया है, फाइव लिखेंगे तो पाँच पे आ गया है, छः लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मैं थोड़ा सा विड्थ, इसका मतलब सिंबल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से, तो इसका यहाँ पे साइज मैंने बढ़ा दिया है। और एंड में मैं यहाँ पे मेरी सारी जो क्राइटेरिया है मेरा फुलफिल हो गया है, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिया इसे, इसको मिडिल में कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे रेंड बिटवीन का फंक्शन लगा देंगे। मैनुअली इनपुट करने से बढ़िया रेंड बिटवीन 1 2 6 एंटर, तो 1 2 6 की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगी। तो आपको प्रेस करना है यहाँ पे F9, F9 में आपको बता चुका हूँ, F9 जब भी प्रेस करेंगे तो आपकी शीट ऑटो कैलकुलेट होती है और इसके बाद आपके पास वैल्यूज आने लग जाती है। मैं F9 प्रेस करूँगा तो देखिए 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 4 1 यहाँ पे आ गया, 3 इधर आ गया। तो बेसिकली ये कोई फ़न की तरह मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये काफ़ी कैलकुलेशन होता है इसमें, थोड़ा आपने देखा होगा कहीं वैलिडेशंस लगे हैं, इफ़ और का हमने काफ़ी यूज़ किया है। अगर इसमें आप कलर भी यूज़ करना चाहते हो तो आप ये सिंबल है कैरेक्टर 149, राइट, कैरेक्टर 149 कहाँ पे है, यहाँ पे मैं कैरेक्टर 149 लिखता हूँ, कैरेक्टर 149, और ये मेरे पास इस तरह का सिंबल आ गया है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसे कर देंगे हम पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ में कर देंगे, खाली वैल्यूज़ में। तो वैल्यूज़ में करते ही यहाँ पे मेरा फार्मूला हट गया है, खाली मेरे पास सिंबल बचा है। इस सिंबल को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
यहाँ पे मैनेज रूल में जाने के बाद न्यू रूल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट ओनली सेल स्पेसिफिक टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। ऑन फॉर्मेट में जाके मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, ओके करेंगे और अप्लाई कर देंगे इसे। तो अब देखेंगे इसका कलर भी अब चेंज कर दिया है और मैं F9 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वही वैल्यू हाईलाइट हो रही है जहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप एक लूडो का डाइस भी बना सकते हैं। कैलकुलेशन का मैंने तरीका बता दिया है, F9 प्रेस करना है या तो आप फॉर्मूला में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक, बेसिकली F9 हमारा यही काम करता है ऑटोमेटिक वाला, और ये हमारी शीट को रिफ्रेश करता रहता है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा कि पहले आपको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा बेसिकली, जब आपका वन आए तो क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लगाए यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ वन, तो वन में मेरे पास ये वैल्यू क्यों आई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है और E10 इक्वल टू वन, E10 इक्वल टू थ्री, E10 बेसिकली ये वाली वैल्यू है 3 या 5, इन तीनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया मेरा अगर फुलफिल हो जाता है तो मेरा ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आया है ये। और फिर से मैं F9 प्रेस करता हूँ तो मेरा 5 आ गया है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ये दी है, अगर ये वाली वैल्यू मेरी ग्रेटर देन टू और इक्वल टू 2 होती है, क्योंकि मेरा 2 में क्या होगा ये वैल्यू, अभी बेसिकली 5 है, हम 5 के बारे में बात करते हैं। तो 5 में क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। तो ये बेसिकली मेरी ग्रेटर देन 2 है तो ये मेरी वैल्यू ये ट्रू हो रही है बेसिकली, एंड का पार्ट मेरे दो ये वाली और दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए। और तो इसके बाद मेरे पास ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे बन जाएगा। तो बेसिकली ये लॉजिक आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, खाली इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग को मतलब यूज़ करना पड़ता है कि यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू होगी, किस तरीके से हमारे सिंबल्स टाइप होंगे। और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो आपने देख ही लिया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेट बिल्कुल ईजी है, इसको मैंने कन्वर्ट करके एक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जाने के बाद स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाके इसकी यहाँ पे से पेस्ट करके फॉर्मेट सेल में जाके मैं रेड भी कर दूंगा तो ये मेरा रेड हो जाएगा अप्लाई करके। और F9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज़ चेंज हो रही है यहाँ पर। तो आप इसको बना सकते हैं, तो इसका बनाने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी आपके लॉजिक भी क्लियर होंगे इफ़ एंड और की कंडीशन, और इसे बनाते हुए माइट भी आपको इतना मतलब बोरियत फील ना हो तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। इससे बेसिकली आप अपने लॉजिक का ही बिल्डअप करेंगे और आपको फंक्शन और फार्मूला जैसे एंड और इफ़ की कंडीशन जो भी लगाई, इसमें तीन ही फंक्शन बेसिकली लगे हैं, इफ़ एंड और लगे हैं, राइट। कैरेक्टर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैरेक्टर 149 अगर आप लिखते हैं तो इस तरह का सिंबल बनता है, और एंड में आप इसे कॉपी करके इसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल के इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वाला एक्सेल की फाइल चाहते हैं कि मैं आपको सेंड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा तो मैं आपको ये एक्सेल सेंड कर दूँगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।